दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों स्टेट्स के पेंशनर्स के लिए एक अपडेट है कि छत्तीसगढ़ जो सरकार है उसने अपने पेंशनर्स का जो महंगाई राहत है वो बढ़ा दिया है। देखिएगा, कोई भी स्टेट अगर महंगाई राहत बढ़ाती है, ठीक ना, तो दोनों राज्य की सहमति से होता है। बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने जब अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डिनर अलाउंसेस बढ़ाया था, 34% किया था 1 तारीख से दिन, उसके बाद से इन्होंने सहमति के लिए भेजा था। तो ये जो सहमति पे है, इस दोनों में सहमति बन गई दोनों राज्य सरकारों में, और ये 5% महंगाई भत्ता या फिर महंगाई राहत आप बोल सकते हैं, ये बढ़ा है। तो ये 1 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल रहेगा। और अब जो दोनों स्टेट्स के पेंशनर्स हैं उनको 33% महंगाई राहत मिलेगी। बाय द वे, मैं 1 महीने पहले ही आपके सामने वीडियो ला के बताया था, जब छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने रेगुलर एम्प्लॉयज़ का DNS अलाउंसेस फिर से बढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि 5% सिर्फ बढ़ के 33% ही होगा, क्योंकि जो लिस्ट है, जो कमतर स्टेट का जो महंगाई भत्ता है, वही महंगाई राहत असल में दोनों राज्य स्वीकार करते हैं। देखिए दोस्तों, जब छत्तीसगढ़ ने बढ़ाया था अपने रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए 5%, तभी मैं बताया था कि देखिएगा, MP गवर्नमेंट 4% दिवाली से पहले बढ़ा सकती है, ऐसा न्यूज रिपोर्ट्स आ रही थी, और बताया था कि जो पेंशनर्स हैं उनको 49 के कारण सिर्फ 33% मिलेगा। तो आज ये देखिएगा, फाइनल इसकी रिपोर्ट आई है। तो अब जो दोनों स्टेट्स के पेंशनर्स हैं, आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दोनों को 33% DNS रिलीफ मिलेगा। और बाद भी उम्मीद लगा रहे थे कहीं ना कहीं 38% मिले, और कुछ ही महीने बाद आप देख रहे हैं कि फिर से हाइक कर जाएगा, मतलब जनवरी के बाद फरवरी से ये कहीं ना कहीं 43% जनरस अलाउंसेस होने की चांसेस हैं। दोस्तों, आप सुनने का धन्यवाद।